हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल्स। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इट मींस व्हिच मोलिकुल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जेनरेशन टू अनदर जेनरेशन। अकॉर्डिंग टू मेंडल, फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, बट व्हाट इज द केमिकल नेचर ऑफ फैक्टर, इट वॉज अननोन एट द टाइम ऑफ मेंडल। मेंडल के समय यह पता नहीं था कि वह जो फैक्टर एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है उसका केमिकल नेचर क्या है, उसका बायोकेमिस्ट्री क्या है। और इसी के सर्च में अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया गया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट डन बाय ग्रिफिथ इन 1928 एंड ग्रिफिथ वर्कड ऑन अ स्पेशल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई डेट काउज न्यूमोनिया डिजीज। And Griffith also used mouse as host. Host के रूप में माउस का यूज किए और एक्सपेरिमेंटल मॉडल के रूप में डिप्लोकोकस बैक्टीरिया यूज किए। सो एक्सपेरिमेंटल मॉडल बैक्टीरिया, डिप टाइप ऑफ बैक्टीरिया, तो नाम याद रखेंगे डिप्लोकोकस और बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई डेट काउज निमोनिया डिजीज। ओके, एंड होस्ट में यूज किए माइस। होस्ट में किसका यूज किए, तो माइस का यूज। ग्रिफिथ यूज टू स्ट्रेन्स, टू वेराइटी ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस के दो स्ट्रेन, दो वेराइटी का यूज किए। वन इज कॉल्ड S strain, other is called R strain. S strain and R strain. S means smooth, R means rough. अब यह rough और smooth जो नाम दिया गया कैसे दिया गया तो जाने। रफ एंड स्मूथ नाम भी आ गया। रफ मींस बैक्टीरिया डेट इज नॉट कवर्ड बाय एनी अदर कवरिंग एंड रफ कवर्ड बाय म्यूकस पॉलीसैकेराइड्स कैप्सूल एंड फॉर्म्स साइनी कॉलोनी। फॉर्म साइनी कॉलोनी यानी इस बैक्टीरिया के चारों तरफ म्यूकस का एक कवर है और जब वह मल्टीप्लाई करता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद एक ग्रुप कॉलोनी जो बनता है वह साइनी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस।
एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोट कैप्सूल दिस बैक्टीरिया इज नॉट डिटेक्टेड बाई एंटीबॉडीज ऑफ द होस्ट सेल. होस्ट सेल के द्वारा यह डिटेक्टेड नहीं किया जाता है. रिजल्ट क्या होता है? एंटीबॉडीज का इस पर एक्शन नहीं होता है और वह होस्ट बॉडी में सर्वाइव करता है और न्यूमोनिया काउज करता है. बट इन केस ऑफ रफ नो एनी कैप्सूल इज प्रेजेंट. कैप्सूल अब्सेंट. एंड फॉर्म्स रफ कोल. एंड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कैप्सूल इट इज डिटेक्टेड बाई एंटीबॉडीज ऑफ होस्ट सेल. एंड इफ डिटेक्टेड बाई एंटीबॉडीज ऑफ होस्ट सेल देन एंटीबॉडीज किल्स देम एंड इट नॉट काउज डिजीज. सो वी कैन से यस स्पैन इज पैथोजेनिक और वायरुलेंट डेट काउज डिजीज. आर स्ट्रेन नॉन पैथोजेनिक और नॉन वायरुलेंट. ठीक है. अब इन दो बैक्टीरिया का यूज कर ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट किए. आगे देखें इनका एक्सपेरिमेंट क्या था. जनरली फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिफिथ एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया इंजेक्ट इनटू माइस. इंजेक्टेड इन माइस. आर एस स्ट्रेन इज वायरुलेंट स्ट्रेन एंड वायरुलेंट स्ट्रेन काउज निमोनिया. सो ड्यू टू निमोनिया माइस विल बी डाई. ओके माइस डाई. नेक्स्ट आर स्ट्रेन इंजेक्टेड इन माइस अनदर माइस. आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट नॉट काउज डिजीज. सो माइस सर्वाइव और लिव लाइव. ओके नेक्स्ट आर स्ट्रेन इज किल्ड बाय हीटिंग. नेक्स्ट स्टेज आर स्ट्रेन इज किल्ड बाय हीटिंग. इट मीन्स हीट किल्ड सॉरी एस स्ट्रेन. एस स्ट्रेन इज किल्ड बाय हीटिंग. हीट किल्ड एस स्ट्रेन इंजेक्टेड इन माइस. इट मीन्स बैक्टीरिया क्या हो गया. बैक्टीरिया को यहां हीट करके मार दिया गया. इसका मतलब है कि यह निमोनिया काउज नहीं करेगा और जब निमोनिया नहीं काउज करेगा तो माइस सर्वाइव करेगा. माइस लाइव. इन नेक्स्ट स्टेज हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन दोनों को मिलाकर डाल दिए माइस बॉडी में. रिजल्ट कुछ अजीबो गरीब हुआ. क्या हुआ? माइस डाइड हो गई. अब आखिर इसका रीजन क्या है? हीट किल्ड में सर्वाइव किया था लेकिन जब हीट किल्ड के साथ मिलाए आर स्ट्रेन. आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट लेकिन जब दोनों मिलाकर माइस बॉडी में इंजेक्ट किया गया रिजल्ट क्या हुआ? बैक्टीरिया डाई कर गया. इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस सम मटेरियल्स फ्रॉम एस स्ट्रेन और हीट किल्ड एस स्ट्रेन ट्रांसफर्स इन आर स्ट्रेन एंड कन्वर्ट देम इनटू वायरुलेंट. एक से दूसरे में ट्रांसफर हुआ. इसीलिए ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है वह कहलाता है ग्रिफिथ
ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, क्या कहलाता है? ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इट मींस सम मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल ट्रांसफर इनटू अनदर बैक्टीरियल सेल एंड चेंज देयर स्ट्रेन। नॉन वायरुलेंट आर स्ट्रेन गेट्स कन्वर्ट इनटू एस स्ट्रेन वायरुलेंट बैक्टीरिया ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ सम मटेरियल्स फ्रॉम हीट किल्ड एस स्ट्रेन। ऐसे भी आप पढ़े होंगे इन बैक्टीरिया देर आर थ्री मेथड्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड इज ट्रांसडक्शन एंड नेक्स्ट इज कंजुगेशन। ओके, और यहां जो भी एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेशन एंड मार्था चेस एंड हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन ट्रांसडक्शन मेथड्स ऑफ बैक्टीरिया। तो यहां ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, इन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ सम मटेरियल्स फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरियल सेल अकर्स बाय सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस, सो इट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट और ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, एक और नया बात यहां क्या मिला, फ्रॉम डेड माइस ग्रिफिथ ऑल्सो रिकवर एस स्ट्रेन स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। डेड माइस के बॉडी में एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिला और वह लाइफ फॉर्म मिला। इट मींस आर गेट्स कन्वर्ट इनटू एस, आर नॉन वायरुलेंट गेट्स कन्वर्ट इनटू वायरुलेंट। नाउ सी कंक्लूजन ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए, आखिर उस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला? ग्रिफिथ ने यह देखा कि एक स्ट्रेन से मींस एस स्ट्रेन का कुछ सब्सटेंस आर स्ट्रेन में गया और आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया एस स्ट्रेन में। वह सब्सटेंस को ग्रिफिथ ने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस। ओके, सम रफ बैक्टीरिया वेयर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ स्मूथ टाइप ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस बाय रफ बैक्टीरिया फ्रॉम हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया। हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया से ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस रफ बैक्टीरिया के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया, जिसके कारण रफ बैक्टीरिया स्मूथ बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो गया। ओके, एंड ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैप्सूल फॉर्मेशन। उसी ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस के द्वारा आर में कैप्सूल का फॉर्मेशन हो गया, और जब आर में कैप्सूल का फॉर्मेशन हो गया, रिजल्ट क्या हो गया? माइस के एंटीबॉडी के द्वारा डिटेक्ट नहीं हुआ और डिटेक्शन नहीं होने के कारण वो पैथोजेनिक नेचर का हुआ और डिजीज काउज किया, एंड ड्यू टू निमोनिया माइस डाई। बट बाय ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट द केमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड। इन्होंने बताया कि एक से दूसरे में जाता है, एक स्ट्रेन को दूसरे स्ट्रेन में कन्वर्ट करता है, लेकिन वह कौन सा केमिकल है इस एक्सपेरिमेंट से वह डिफाइंड नहीं हुआ था। एक पॉइंट और याद रखना है कि जो भी आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है, यह एक से अधिक टाइप का मिलता है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ आर एंड एस टाइप वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट ऑफ डिप्लोकोकस बैक्टीरिया, एंड द टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर और एस बैक्टीरिया डेट वाज यूज बाय ग्रिफिथ वाज, दो यूज किए, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन, आर स्ट्रेन एंड एस स्ट्रेन। फर्स्ट सेकेंड टाइप नाम दिया जाता है आर फर्स्ट, आर सेकेंड, आर थर्ड, एस फर्स्ट, एस सेकेंड, एस थर्ड, ठीक है ना। तो आर का
सेकेंड टाइप एंड एस का थर्ड टाइप. इट मीन्स एस थर्ड एंड आर सेकेंड वाज यूज्ड बाय ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट. क्लियर? चलिए अब देखिए कि ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट से यह क्लियर नहीं हुआ कि जेनेटिक मटेरियल का केमिकल नेचर क्या है. तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बाद तीन साइंटिस्ट का ग्रुप मैकार्टी, मैकलॉड एंड एवरी, वह तीनों ने यह प्रूफ कर दिए कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. डीएनए ही कैरेक्टर को एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रांसफर करता है. और वह जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बाद, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हुआ था इन 1928 में, और वह तीन साइंटिस्ट जो थे मैकार्टी, एवरी एंड मैकलॉड, उनका हुआ था 1944 में. इट मीन्स आफ्टर 16 इयर्स, 16 साल के बाद कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्लियर किए कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. नाउ सी, ग्रिफिथ के ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस का केमिकल नेचर क्या है, इसे कंफर्म करने के लिए एवरी, मैकलॉयड एंड मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट किए ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के 16 साल बाद 1944 में. रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ टू आइडेंटिफाई द बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस. बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस, अब इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किए देखिए. दीज साइंटिस्ट ग्रो सम आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इन कल्चर मीडियम. दीज आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इन कल्चर मीडियम एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ केमिकल्स फ्रॉम हीट किल्ड एस बैक्टीरिया ऑल्सो एडेड इन दिस कल्चर. अलग अलग कल्चर मीडियम में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया को ग्रो कराई और उस कल्चर में एस किल्ड हीट किल्ड एस बैक्टीरिया के एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मीन्स आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन को उस कल्चर में ऐड कर दिया गया. इट मीन्स सपोज दैट एक में उन्होंने डाला डीएनए, पहले लिखते हैं आरएनए, आरएनए प्रोटीन एंड डीएनए. यह कहां से आया था? एक्सट्रैक्ट ऑफ हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया. ओके, एंड आफ्टर दैट दीज साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट इन दिस कंडीशन no S strain develop, no S strain not developed in protein, also S strain not developed okay, but in this condition some S strain bacteria develops in culture medium. S strain bacteria develop. इस experiment से यह clear हुआ कि जो भी transforming substance एस से आर में जाता था और आर को एस में कन्वर्ट कर देता था वह ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस क्या है,
डीएनए है, इट मीन्स डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, इट मीन्स डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट इट इज प्रूव दैट, इट वॉज प्रूव दैट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए नॉट प्रोटीन एंड आरएनए। और भी इन्होंने क्या किया, दीज साइंटिस्ट ऑल्सो एड एन एंजाइम, डीएनए इज एंजाइम, डीएनए इज एंजाइम, डीएनए इज एंजाइम डाइजेस्ट द डीएनए एंड बाय द एक्शन ऑफ डीएनए इज एंजाइम डीएनए बिकम डाइजेस्ट एंड इन बाय यूज ऑफ डीएनए इज एंजाइम नो एनी एस अस्टेड बैक्टीरिया वेर डेवलप्ड इन कल्चर मीडियम। जैसे ही उन्होंने डीएनए एंजाइम का डाल करके यूज किया, वैसे कंडीशन में यहां आर स्ट्रेन बैक्टीरिया डेवलप नहीं किया, इससे स्पष्ट हो गया कि वह डीएनए ही था जो आर को एस में कन्वर्ट कर रहा था। सेम यही कंडीशन यहां भी देखे, उन्होंने आरएनए के साथ आरएनए एंजाइम का यूज किए, आरएनए एंजाइम प्रोटीन के साथ प्रोटीएज एंजाइम, लेकिन इन दोनों कंडीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, पहले भी एस स्ट्रेन डेवलप नहीं हुआ था, एंजाइम के बाद भी नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, लेकिन इस कंडीशन में विदाउट एंजाइम एस स्ट्रेन का फॉर्मेशन हुआ, जैसे ही एंजाइम का यूज किया गया एस स्ट्रेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो ये प्रूफ हो गया जेनेटिक मैटेरियल इज डीएनए। लेकिन इसके बाद भी कुछ साइंटिस्ट नहीं माने, तो फिर दूसरे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट किए और वह एक्सपेरिमेंट है हर्षे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। अब इस वजह से नोट कर लेते हैं कंक्लूजन ऑफ दी थ्री साइंटिस्ट, इफ डीएनए ऑफ हिट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया इज एब्जॉर्ब बाय आर स्ट्रेन देन आर बैक्टीरिया गेट्स कन्वर्टेड टू एस बैक्टीरिया, इट मीन्स the transforming substance does transfer from one bacteria to another bacteria is DNA, okay, and this process is called transformation, process is called transformation, transfer of characters of one bacteria to another by taking up DNA from solution or medium, culture medium is called transformation, and if DNA was treated by DNA enzyme, if DNA was treated with DNA enzyme, then transformation not occurs। यह experiment proof किया, clear हो गया कि जो भी genetic material है वह DNA है, लेकिन कुछ scientists नहीं माने थे, तो फिर दूसरे experiment किया गया Hershey और Chase के द्वारा। Now see, Hershey and Chase experiment and एक्सपेरिमेंट बाई हर्षे एंड चेस वॉज डन आफ्टर 8 ईयर ऑफ मैकलॉड मैकार्टी एंड एवरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सबसे पहले ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट 1928 में, आफ्टर 16 ईयर इन 1944 एक्सपेरिमेंट डन बाई एवरी मैकलॉड एंड मैकार्टी, एंड आफ्टर 16 का आधा सॉरी 8 16 का आप 8 आफ्टर 8 ईयर इन 1952 एक्सपेरिमेंट बाई हर्षे एंड चेस वाज डन। ओके, द एक्सपेरिमेंटल मॉडल वाज बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज एंड होस्ट ईकोलाई। ओके, एक्सपेरिमेंटल मॉडल बैक्टीरियोफेज एंड होस्ट ईकोलाई। अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियोफेज एंड ईकोलाई, बैक्टीरियोफेज मीन्स
वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, वैसा वायरस जो बैक्टीरिया को अपना होस्ट बनाता है वह क्या कहलाता है, बैक्टीरियोफेज कहलाता है। ठीक, अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डीएनए को प्रूव करने के लिए, मीन्स डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। अब इन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग कल्चर मीडियम लिए, कल्चर मीडियम इन वन कल्चर मीडियम एस रेडियो एक्टिव S35 एंड अदर रेडियो एक्टिव P32। एस सल्फर दैट इज प्रेजेंट इन प्रोटीन, जनरली यू नो सल्फर कंटेनिंग सब एमिनो एसिड सच एज सिस्टीन, ठीक है ना। तो सल्फर कहां होगा, प्रोटीन में होगा। रेडियो एक्टिव P32 इट इज प्रेजेंट इन डीएनए, इन डीएनए फॉस्फेट इज प्रेजेंट। यानी इनका एक्सपेरिमेंट या प्रूफ किया कि डीएनए और प्रोटीन में से जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है। तो इन दो मीडियम में इन्होंने ग्रो कराया वायरस को, बैक्टीरियोफेज, ठीक। एंड यू नो वायरस डायरेक्ट कहीं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता है, वह जब भी मल्टीप्लाई करेगा तो होस्ट बॉडी में बाय यूज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स ऑफ होस्ट बॉडी। ओके, इट मींस अलग अलग मीडियम में इकोलाई और इकोलाई पर वायरस का इन्फेक्शन कराया गया बैक्टीरियोफेज डिसलाइक, यानी इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा दो अलग अलग बैक्टीरियोफेज को ग्रो कराए। ठीक है, इट मींस हर्से एंड चेस ग्रो टू वैरायटी ऑफ बैक्टीरियोफेज हैविंग रेडियो एक्टिव और रेडियो लेवल्ड P32 एंड लेवल्ड P32 एंड लेवल्ड S35। ये दो तरह के बैक्टीरियोफेज को पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार किया और ग्रो कराने के बाद एक्सपेरिमेंट किया। ओके, द एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्से एंड चेस वाज कंप्लीटेड इन थ्री स्टेजेस, कंप्लीटेड इन थ्री स्टेजेस, दैट वाज दैट इज CBI का अपोजिट फॉर्म कर दें, CBI का अपोजिट ऑफ CBI मींस IBC। तो थ्री स्टेजेस, फर्स्ट आई, सेकंड बी, थ्री सी, CBI का उल्टा, IBC, आई इन्फेक्शन, बी ब्लेंडिंग एंड थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, इस तीन स्टेज में हर्से और चेस का एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ। जी, अभी हमने दो अलग अलग रेडियो एक्टिव लेवल्ड बैक्टीरियोफेज को ई कोलाई या अदर बैक्टीरिया के साथ कल्चर मीडिया में ग्रो कराया। ओके,
बैक्टीरियोफेज इन्फेक्टेड बैक्टीरिया ग्रोन सेपरेटली इन टू कल्चर मीडियम फॉर ग्रो टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफेज S35 leveled and P32 leveled. And you know, phosphorus present in DNA, sulfur present in protein, it means in genetic material of bacteriophage, phosphorus is present. In proteinous coat of bacteriophage, protein or sulfur is present. Okay. Now, first stage is infection. In this process, E. coli bacteria is infected by bacteriophage. It means two different E. coli bacteria are infected by two different types of bacteriophage. One having radioactive S35 labeled protein and other having radioactive P32 level DNA. Okay. Second stage is blending. Blending means separation of bacterial cell from bacteriophage. Blending means separation, isolation of bacterial cell from bacteriophage. Okay. There, अब देखिए, during infection, some materials transfer from bacteriophage to E. coli. And generally genetic material transfer from यहां से इसका internal कहां आ गया, bacterial cell में आ गया. In bacterial cell also genetic material of group bacteriophage also comes in bacterial cell, but this genetic material having normal phosphorus, in this condition P32 phosphorus, P32. And there S35 protein that is present in proteinous coat and not enters in bacterial cell. And third stage is centrifugation. Centrifugation means on the basis of molecular weight, the bacteriophage and E. coli are separated by a spinning in centrifuge. अब जब सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है तो इस तरह से मटेरियल निकलता है. कुछ मटेरियल हैवी वेट वाला होता है जो नीचे चला जाता है, लाइट वेट वाला होता है जो ऊपर चला जाता है. हैवी वेटेड इज कॉल्ड पिलेट एंड लाइट वेटेड इज कॉल्ड सुपरनाइटेंट. ओके. एंड सुपरनाइटेंट लाइट वेटेड, तो सुपरनाइटेंट में कौन होगा, तो जनरली इसमें आएगा वायरस और बैक्टीरियोफेज एंड पिलेट बैक्टीरियल सेल. ठीक है. इट मींस सुपरनाइटेंट एंड बैक्टीरियल सेल्स आर ऑब्टेंड बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड्स. अब जब सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हुआ तो ई कोलाई अलग हो गया, वायरस अलग हो गया. अब इसमें क्या मिलेगा, देखिए, सेल कंटेंस, या लिखिए P32 लेवल्ड डीएनए प्रेजेंट इन सेल. P32 लेवल्ड डीएनए प्रेजेंट इन सेल एंड इन सुपरनेटेंट no any proteinous coat of radioactive level. It means no S35 leveled protein is present in supernatant. इस condition में सेल में डीएनए P32 मिला, सुपरनेटेंट में S35 नहीं मिला. ठीक है. इस कंडीशन में देखें, इस कंडीशन में यहां जो भी डीएनए आया, इन दिस इकोलाई डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज इज प्रेजेंट एंड दिस डीएनए इज ऑफ नॉर्मल फास्फोरस.
इट मीन्स इन सेल नो रेडियो एक्टिव लेवल्ड P32 इज प्रेजेंट बट इन केस ऑफ सुपरनेटेंट मीन्स आउटसाइड द सेल सुपर बट इन केस ऑफ सुपरनेटेंट एस 35 प्रेजेंट इन सुपरनेटेंट ओके इट मीन्स मटेरियल दैट इंटर्स फ्रॉम बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई इज डीएनए एंड दैट डीएनए आल्सो प्रेजेंट इन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज ओके अब इसको हम नोट कर लेते हैं देखें थ्री स्टेजेज ऑफ हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट फर्स्ट इन्फेक्शन इन्फेक्शन बोथ लेवल्ड बैक्टीरियोफेजेज मीन्स P32 एंड S35 वेर अलाउड टू इन्फेक्ट टू नॉर्मल कल्चर्ड बैक्टीरिया सेपरेटली दो अलग बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया गया अलग अलग ब्लेंडिंग एजिटेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल टू सेपरेट बैक्टीरिया फ्रॉम बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल से पहले इन्फेक्शन कराया गया इन्फेक्शन कराने के बाद ब्लेंडिंग मेथड के द्वारा बैक्टीरियल सेल और वायरस को अलग कर दिया गया एंड लास्ट थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन बैक्टीरियोफेज वेयर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन बाय स्पिनिंग इन सेंट्रीफ्यूज सेंट्रीफ्यूज में स्पिनिंग करा करके बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल सेल को अलग कर दिया गया एक मिला पिलेट के फॉर्म में एक मिला सुपरनेटेंट के फॉर्म में ऑब्जर्वेशन P32 लेवल डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल इन नेक्स्ट जनरेशन बैक्टीरियल सेल और इन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज While S35 level protein not present in bacterial cell or next generation of virus, it only found in supernatant. Supernatant में मिला सेल के बाहर मिला ना तो bacterial cell में ही मिला ना ही next generation of bacteriophage मिला. It means it is concluded that DNA is genetic material that transfer from one generation to next generation. Okay? चलिए तो ये हो गया सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल तीन एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट सेकंड एवरी एक्सपेरिमेंट एवरी मैकलॉड एंड मैकॉर्टी एक्सपेरिमेंट एंड थर्ड हर्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट आल्सो कॉल्ड ट्रांसडक्शन थ्योरी और ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट ओके तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे अब सर्च देख लिए हैं अब इसका थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल का फीचर्स और फिर रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए ओके